तो दोस्तों आज हो गई है 16 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं और एक सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, लोकसभा में लखीमपुर हिंसा से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग। राहुल गांधी बोले मंत्री इस्तीफा भी देंगे जेल भी जाएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा की मांग को लेकर के लोकसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार इस मामले पर चर्चा करने से बच रही है क्योंकि इसमें उनके मंत्री शामिल हैं। विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही यहां पर स्थगित करनी पड़ी और वहीं नाराज सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। पूरे विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और जेल भी जाना होगा। उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ वो ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं जिसने किसानों को मारा है। और वहीं लखीमपुर कांड पर लोकसभा में राहुल गांधी के स्थगन प्रस्ताव से डरी है मोदी सरकार, सदन कर दिया गया स्थगित, कांग्रेस ने उठाए हैं सवाल और यहां पर मंत्री के इस्तीफे पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और इस मांग पर अड़ा है। और यहां पर राहुल गांधी ने कह दिया है कि मंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, पत्रकार से अजय मिश्रा ने की है बदसलूकी तो राकेश टिकैत बोले गुंडा आदमी गुंडा गर्दी ही करेगा आंदोलन नहीं। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर खीरी घटना पर एसआईटी जांच को लेकर के पूछे गए सवाल पर एक न्यूज रिपोर्टर के साथ यहां पर बदसलूकी की है। उनकी इस हरकत पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। राकेश टिकैत ने अजय मिश्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि गुंडा आदमी गुंडागर्दी ही करेगा और क्या करेगा, वो कोई आंदोलन तो नहीं करेगा। और इस दौरान राकेश टिकैत ने मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है और कहा है कि उनको तत्काल यहां पर बर्खास्त करना चाहिए पीएम मोदी को। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल के आया है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी दिल्ली तलब बेटे आशीष से जुड़े सवाल पर पत्रकार पर भड़के, मोबाइल छीन के की है अभद्रता, मारने के लिए भी झपटे। जी हां दोस्तों लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर के सवालों के घेरे में आए केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी दिल्ली तलब किए गए हैं। आप लोगों को बताते चलें, इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में वो पत्रकारों पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में एक समाचार चैनल के पत्रकार ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से जब बेटे आशीष को लेकर के सवाल पूछा तो वह यहां पर पूरी तरीके से बौखला गए और उनको यहां पर कोई भी मर्यादा नहीं रही और उन्होंने गाली गलौज की है और यहां तक कि मारपीट की नौबत भी आ गई। और यहां पर इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो भाषा का इस्तेमाल मोदी सरकार में मंत्री कर रहे हैं ये भारत सरकार के मंत्री की भाषा बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ये यहां पर देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर भी लोग यहां पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे अच्छी तो भाषा टपोरियों की होती है, इस मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, ये मंत्री बनने के लायक ही नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग यहां पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक विधान परिषद चुनाव परिणाम बीजेपी को लगा है तगड़ा झटका, कांग्रेस ने किया है जबरदस्त प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चलें, बहुमत पाने से एक सीट से चूकी भाजपा, कांग्रेस ने भी जीती है 11 सीटें। सत्तारूढ़ भाजपा कर्नाटक राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के रूप में माने जाने वाले विधान परिषद के चुनावों में एक साधारण बहुमत हासिल करने में पूरी तरीके से विफल रही है। पार्टी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही और वहीं कांग्रेस को भी इतनी ही संख्या में सीटों पर जीत हासिल हुई है। चुनाव में सबसे बुरी तरह हारने वाली क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस केवल 2 ही सीटें जीतने में सफल रही है। इसके साथ ही दोस्तों एक और खबर बताते चलें,
पश्चिम बंगाल हुगली से भाजपा की सांसद लॉकेट चटर्जी लापता संसदीय क्षेत्र के इलाके में लगे हैं पोस्टर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के हुगली से बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी के लापता होने के पोस्टर उनके संसदीय क्षेत्र हुगली में लग चुके हैं। आप लोगों को बताते चलें, सार्वजनिक स्थलों की दीवारों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और यहाँ पर इन पोस्टरों में बंगाली में लिखा हुआ है कि हमारे सांसद लॉकेट चटर्जी लंबे समय से लापता हैं, कृपया उनके ठिकाने के बारे में जानकारी दें। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, अयोध्या के पुजारी बोले सत्ता से मुक्त होने वाली है बीजेपी, इसलिए गई है वाराणसी। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ है वायरल, आप लोगों को बताते चलें दोस्तों। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इसी पूरे मामले पर एक न्यूज के रिपोर्टर ने अयोध्या के एक पुजारी से सवाल किया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। दरअसल पुजारी ने कहा है कि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहिए, धर्म को राजनीति में लाने से समाज में उन्माद बढ़ता है। बीजेपी केवल धर्म की राजनीति कर रही है, इन्हें विकास और महंगाई से कोई भी मतलब नहीं है। और वहीं एक दूसरे पुजारी से पीएम मोदी के इन कामों को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता मुक्त होने वाली है क्योंकि वाराणसी वही जाते हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए होती है। यह यहां पर जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है संत समाज के अंदर बीजेपी को लेकर के और धर्म की राजनीति का लगाया है संतों ने आरोप और कहा है कि बीजेपी सत्ता से मुक्त होने वाली है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, 2024 में फिर होगा खेला, पूरे देश में बीजेपी को हारते देखना चाहती हूं, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर लगातार आक्रामक हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं 2024 के चुनाव में बीजेपी को पूरे देश में हारते हुए देखना चाहती हूं, खेला हो बे। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पटकनी देने के बाद अब ममता बनर्जी लगातार अन्य राज्यों में टीएमसी के पैर जमाने में लगी हुई हैं। कई कांग्रेसी नेताओं के टीएमसी ज्वाइन करने को लेकर के टीएमसी कांग्रेस में अब यहां पर कुछ अनबन की खबरें भी सामने आई हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत को दिया है चुनाव लड़ने का न्योता, बोले आना चाहें तो सपा में स्वागत है। आप लोगों को बताते चलें, किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत की लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ी है। एक साल से भी ज्यादा समय तक चले इस आंदोलन के खत्म होने के साथ ही राकेश टिकैत की सियासी पारी की संभावनाओं ने यहां पर जोर भी पकड़ लिया है। अब जब वह आंदोलन स्थल से लौट करके अपने घर की तरफ बढ़ चुके हैं तो इन संभावनाओं का दायरा भी बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। उन्होंने यह बात यहां पर एक इंटरव्यू के दौरान कही है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, AIMIM ने कहा मंत्री अजय मिश्रा को हटाएं। ओवैसी बोले पीएम नहीं हटाएंगे क्योंकि चुनाव में वोट जो लेना है। लखीमपुर खीरी कांड में SIT की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्षी नेता केंद्रीय गृहराज मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाने की लगातार मांग पर अड़े हैं और वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमारी मांग है कि संवैधानिक नैतिकता के आधार पर पीएम मोदी अजय मिश्रा को तुरंत मंत्री पद से हटाएं। और इसके साथ ही ओवैसी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि मुझे लगता है कि मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे। ओवैसी आगे बोले कि इस बात का मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री उस मंत्री को बर्खास्त नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट जो लेना है। ये यहां पर इस पूरे मामले पर कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, बेरोजगार है मोदी का न्यू इंडिया, 68 लाख सैलरीड नौकरियां हुई हैं खत्म, श्रमिकों की भागीदारी हुई है कम। आप लोगों को बताते चलें, भारत में एक तरफ महंगाई की मार है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी से जनता काफी परेशान है। तेल टमाटर के बढ़ते दामों के बीच लाखों लाख लोगों की नौकरियां जा रही हैं, महंगाई से आम जनता त्रस्त है। आलम यह है कि देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पिछले कुछ सालों से बेरोजगारी दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है युवाओं की तरफ से। और वहीं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE ने नए आंकड़े जारी कर बताया है कि नवंबर महीने में ही 60 लाख से ज्यादा सैलरीड नौकरियां खत्म हो गईं। मोदी जी आपके न्यू इंडिया में विकास की गंगा उल्टी बह रही है, मोदी जी बेरोजगार है आपका न्यू इंडिया, ये खबर है दोस्तों। अगली अपडेट बताते चलें,
बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। कहा नए भारत में महंगाई का नया नाम टैक्स वसूली। आप लोगों को बताते चलें, देश भर में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि नए भारत में महंगाई का नया नाम टैक्स वसूली। देश में थोक महंगाई दर 1991 के बाद से इतनी ऊंचाई पर देखी गई है। और वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कि थोक महंगाई दर में नवंबर माह में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर के विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार है। और कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि क्या यही है मोदी सरकार के अच्छे दिन। और देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने भी यहां पर घेरा है इस पूरे मामले पर। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNDVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।